आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। झांसी जनपद में बंद पड़े आयुर्वेदिक यूनानी दवाखाना खोले जाने की मांग। झांसी उत्तर प्रदेश संदेश मानव समाज सेवी संस्था के संस्थापक मोहम्मद कलाम कुरैशी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है कि झांसी जनपद में कोविड-19 के चलते बंद पड़े आयुर्वेदिक यूनानी दवाखाने खोलने की अति आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर बुजुर्ग एवं नौजवान आयुर्वेदिक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं जो कि लाभदायक है। गंभीर रोगों का इलाज आयुर्वेदिक यूनानी इलाज से ही संभव है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हर हाल में लाभदायक ही है। संदेश मानव समाज सेवी संस्था पूर्व में कई बार आयुर्वेदिक यूनानी स्वास्थ्य शिविर लगाकर गरीब मलिन बस्तियों में लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है, जिससे सैकड़ों मरीज गंभीर बीमारियों से लाभदायक व स्वस्थ हुए हैं। कोविड-19 के चलते 6 महीने से बंद पड़े आयुर्वेदिक यूनानी दवाखाना अस्पतालों से इलाज नहीं करा पा रही हैं, जो कि उनका स्वास्थ्य व इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों से संभव है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा निःशुल्क व बहुत सस्ती मिलती है। गरीब मजलूम आसानी से अपना इलाज आयुर्वेदिक यूनानी दवाखाना अस्पतालों ले रहे थे। जनता के हित में जल्द से जल्द बंद पड़े आयुर्वेदिक दवाखाना खोले जाएं, जिससे उन्हें निःशुल्क इलाज मिल सके। ज्ञापन के दौरान संजय जैन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बबलू आजाद राष्ट्रीय सचिव, शरीफ खान राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, शाहिद खान मास्टर साहब अली, अहमद कुरैशी एडवोकेट, शमीम खान एडवोकेट, सद्दाम अली एडवोकेट, शाहिद सगीर कुरैशी मास्टर अली एडवोकेट, सूर्य प्रकाश राय, संदीप यादव चौधरी, आरिफ कुरैशी, हैदर कुरैशी, रशीद खान, राजू यादव, रशीद अंसारी, रुपेश प्रजापति, शहजाद खान, सगीर कुरैशी, मास्टर नूरा कुरैशी आदि प्रमुख रहे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मंडल ब्यूरो इब्राहिम दास की रिपोर्ट। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।